हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा NDVSU, इसमें आपको अप्लाई करने में या फिर कुछ भी कैसे किस तरीके से सारी चीज़ें करनी होती है। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि कितना एलिजिबिलिटी कार्ड स्कोर, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेंगे आपको अप्लाई करने के लिए, कितना स्कोर कार्ड वेल्ड रहेगा, अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से किस तरीके से, अप्लीकेशन फॉर्म के बारे में आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा, रिजल्ट कहाँ पर डिक्लेयर किया जाता है, एडमिट कार्ड कहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, काउंसलिंग के लिए क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। स्टार्ट करते हैं। आपको किसी भी ब्राउज़र से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करनी है NDVSU 2021। IASER एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको NDVSU के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलती हैं। सबसे पहले तो आप अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करके सर्च करनी होती है और ये फर्स्ट वाले पर एक्जैक्टली क्लिक कर देनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी रिलीज़ किया जाएगा, आप देख सकते हैं। डेट आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी का नीचे पैटर्न सारे बस आपको देखेंगे इस वीडियो में। तो पहले यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या बताया गया है। नानाजी देशमुख वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम फुल नेम है। और यहाँ पर प्रीवियसली कॉल, इससे पहले तो यहाँ पर ये जो है ये फॉर्म को फिल कर दें। जो सामने आपके फॉर्म है, इस फॉर्म में अपना नाम टाइप करेंगे। आपका नाम क्या है, अपना नाम टाइप कर लेंगे। ईमेल आईडी क्या, अपना ईमेल आईडी टाइप कर लेंगे। आपका फ़ोन नंबर क्या, अपना फ़ोन नंबर टाइप कर लेंगे। जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर है तो अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर टाइप कर लूँगा। ओके, फिर यहाँ पर आते हैं जहाँ पर स्टेट बतानी होती है, कौन से स्टेट के। जम्मू कश्मीर के स्टेट रहने वाले हैं तो जम्मू कश्मीर बता सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले अरुणाचल प्रदेश बता सकते हैं। आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, केरला, मध्य प्रदेश। फिर आपको यहाँ पर बताने होते हैं मध्य प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पौंडीचेरी, पोर्ट ब्लेयर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे यहाँ पर आपको दिए गए, दिखा दिए मैंने। अभी आपको यहाँ पर वो सेलेक्ट करनी है, फिर आगे यहाँ पर आना है जो सिटी सेलेक्ट करनी है। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आपको इंटरेस्टेड कोर्स कौन सा वो बता देनी होती है और यहाँ पे आपके क्वालिफिकेशन बता देनी होती है, कितनी क्वालिफिकेशन से आप तक की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। गेट पर काउंसलिप आपको क्लिक करनी है। इससे ये होगा आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको NDVSU के रिलेटेड सर का सर अपडेट, छोटी छोटी बड़ी से बड़ी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेगा। ओके, तो फिर ये आपने समझ लिया। अभी यहाँ पर प्रीवियसली कॉल मध्य प्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ये इसका पहले नाम था, अभी नाम चेंज कर दिया गया। इज़ अ कंट्री एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लोकेटेड इन जबलापुर में, मध्य प्रदेश में और इंडिया में है। और ये नानाजी देशमुख वेटरिनरी साइंस यूनिवर्सिटी जो है प्रीवियसली नोन एज मध्य प्रदेश, आपको पता ही, मैंने बताया अभी ठीक है। ये इस्टेब्लिश कब हुआ था, 2009 में हुआ था और ये लोकेटेड जो है जलापुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। अभी बताया मैंने, अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रांड कमीशन UGC यूनिवर्सिटी ग्रांड कमीशन के थ्रू यहाँ पर इंडिया काउंसिलिंग ऑफ, हाँ ठीक है, ये द यूनिवर्सिटी इज़ एफिलिएट विद, किसके थ्रू हुआ है यहाँ पर, UGC के थ्रू। अभी यहाँ पर आपको आना है, नीचे आना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफ़र करता है, आपको ऑफ़र कर रहा है यूनिवर्सिटी की बैचलर्स ऑफ जो भी रहते हैं सारे कोर्सेस आपको यहाँ पर करती है ऑफर। 87 कॉलेजेस बच्चे के लिए यहाँ पर आपको अवेलेबल है एंड बैचलर्स फॉर फिशरी एंड साइंस के लिए BFSC विद टोटल इंटेक 33 स्टूडेंट्स बोथ ऑफ द UG लेवल में। यहाँ पर PG लेवल यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर आपको बताया 38 स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको इस तरीके से आपको चेक करना है। PhD के लिए 11 डिफरेंट डिसिप्लिन यहाँ पर अवेलेबल है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डॉक्टरल लेवल विद कम्बाइंड इंटेक 20 स्टूडेंट्स एंड डिप्लोमा कोर्स एनिमल हस्बेंड्री विद मैक्सिमम कैपेसिटी 61 स्टूडेंट्स। तो ये देख सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि PG वेटरनरी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपकी यहाँ पर UPS यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये क्या है आपके लिए, ये आपके देश के टॉप 11th यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो एडमिशन स्टार्ट है। आप जिसमें चाहे उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप UPS यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, DIT यूनिवर्सिटी, शारदा यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो एडमिशन स्टार्ट है। सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ में आप जिसमें चाहते उसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इवेंट और डेट बता दिया गया। इवेंट आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ, डेट कैसे चेक करनी होती है, देखनी कैसे, तो लास्ट डेट कभी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का अगस्त में है। दिस शॉर्ट लिस्ट कभी रिलीज़ किया जाएगा अगस्त में किया जाएगा। यहाँ पर डिक्लेरेशन रिजल्ट आपको अक्टूबर में है, तो ये डेट आपको चेक करनी है। यहाँ पर PG फिशरी के बताएगा इवेंट और डेट्स।
इस तरीके से आपको ये भी डेट चेक करनी है। अभी एलिजिबिलिटी अप्लीकेशन फॉर्म को बताना चाहूँगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ कर दिया जाता है ऑफिशियल, और वहाँ से आपको फिल करनी होती है। ठीक है, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपके रजिस्ट्रेशन एड्रेस, आपके फैमिली डिटेल्स, आपके डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं। एलिजिबिलिटी बताना चाहूँगा यहाँ पर कोर्स में, मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पर 12th कम्प्लीट हुई रहनी चाहिए किस कोर्स के लिए, BBSC के लिए या फिर AH, यहाँ पर BFSC के लिए हुआ, PhD डिप्लोमास के लिए यहाँ पर मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए, यहाँ पर 12th कम्प्लीट हुई रहनी चाहिए बोर्ड से सेकेंडरी। सेलेक्शंस आपके क्रिटेरिया बोलेंगे स्कोर इन स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पर, यहाँ पर तो फिर आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस होते हैं जो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें सारे के सारे डिटेल्स फिल करने होते हैं, रिजर्वेशन कैटेगरीज, कोर्स नेम, SC ST UR OBC सारे। ठीक है, यहाँ पर टोटल सीट्स आपको बता दिए गए अलग अलग रिजर्वेशन कैटेगरीज, यहाँ पर फ्री सीट्स रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो एडमिशन जो प्रोसेस होते हैं ये ऑफिशियली की जाती है यहाँ पर, कि आप यहाँ पर जिस जिसके लिए जिसे भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, ईजिली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ओके, अभी आते हैं जो यहाँ पर कोर्स नेम ऑल कैटेगरीज वगैरह यहाँ पर दिखा दी गई है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख लेनी होती है। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर सीट्स रिजर्वेशन चेक कर सकते हैं, मैंने बताया पेमेंट सीट्स रिजर्वेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन सारी कैटेगरी 2 है ये कैटेगरीज, SC ST के लिए, UR कैटेगरी के लिए टोटल वैकेंसीज यहाँ पर आपको दे दी गई है। डिप्लोमा एनुअली हस्बेंड्री अलग अलग आपको यहाँ पर चेक करनी होती है। तो फिर आपको कुछ भी डाउट होता है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक दे रखा है, आपको अप्लाई करना है यहाँ से स्टेप बाय स्टेप। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।